जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोटपैड के बारे में। देखिए, नोटपैड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो नोटपैड सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम बस और बस केवल टाइपिंग के लिए ही कर पाते हैं। इसमें किसी विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग, जैसे कि किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, या किसी टेक्स्ट की कलर को चेंज करना, या किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना, ये सारा फॉर्मेटिंग हम इसमें नहीं कर पाते। और चूंकि नोटपैड की सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हम करते हैं केवल टाइपिंग करने के लिए, और इसमें हम पेज की साइज को अधिकतम 500% तक इंक्रीज कर सकते हैं तथा मिनिमम 10% इसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। और ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी पहले से हमारे सिस्टम में स्टोर रहता है, पहले से इंस्टॉल रहता है, इसको अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जैसे कि हम नोटपैड की सॉफ्टवेयर ओपन कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कीबोर्ड में Windows+R बटन प्रेस करते हैं तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है, रन कमांड खुल करके आ जाता है। अब इसमें हमको टाइप करना होता है NOTEPAD, तो नोटपैड का सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन हो जाता है। ये पहला तरीका है। और दूसरा ये तरीका है कि आप विंडो के साथ यस बटन प्रेस करेंगे तो भी सर्च का ऑप्शन यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही नोटपैड आप टाइप करेंगे तो भी आपके सामने यहाँ पे नोटपैड की सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और तीसरा ये तरीका है, आप इसी में माउस से राइट बटन दबाइएगा और यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से, इसी पे क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने नोटपैड का पेज ओपन हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो तीन माध्यमों से हम आसानी तरीके से नोटपैड की सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। लेकिन इस पे प्रॉपर वर्क कैसे करेंगे, इसमें क्या ऑप्शन का क्या नाम होता है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम नोटपैड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इसमें सबसे जो टॉप वाली जो पट्टी दिया हुआ है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से दिया हुआ है, और यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन भी आपका दे रखा है। इस पट्टी का नाम जो होता है वो हमारा होता है टाइटल बार। क्या नाम होता है? टाइटल बार। यहां से लेकर के और यहां तक जो पट्टी आपका दिया है इसका नाम होता है टाइटल बार। इस टाइटल बार में क्या क्या पाया जाता है, तो हमारे सॉफ्टवेयर का नाम आपको टाइटल बार में ही दिखाई देता है। मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन आपको टाइटल बार में ही दिखाई देता है, और प्लस इसी के जस्ट नीचे ये हमारा होता है मेनू बार। क्या होता है? मेनू बार होता है। और ये हमारा जो इतना बड़ा पेज आपका दिया है इस पेज को हम ब्लैंक पेज बोलते हैं, क्योंकि अभी इस पे कुछ टाइप मैंने नहीं किया हुआ, इसको ब्लैंक पेज नाम दिया जाता है। इसके जस्ट बाद अगर हम बात करें तो जो सबसे नीचे वाला जो एरिया आपका दिया हुआ है इस एरिया का नाम हमारा होता है स्टेटस बार। क्या नाम होता है? स्टेटस बार। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, सबसे टॉप वाले पट्टी का क्या नाम होता है? टाइटल बार। इसके बाद से यहाँ पे आपका फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू है, हेल्प है, इसको हम जो है मेनू बार के नाम से भी जानते हैं, और कभी कभी इसको हम टैब के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि फाइल टैब हो गया आपका, एडिट टैब हो गया, फॉर्मेट टैब हो गया, व्यू टैब हो गया, हेल्प टैब हो गया, और कभी कभी इसको मेनू भी बोला जाता है। फाइल मेनू हो गया आपका, एडिट मेनू हो गया, फॉर्मेट मेनू हो गया, व्यू मेनू हो गया, तो इसको मेनू बार के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसमें तीन प्रकार के बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस वाले बटन का नाम होता है मिनिमाइज। क्या नाम होता है? मिनिमाइज। और इसका नाम आपका होता है मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन, और इसका नाम जो होता है ये आपका क्या है? क्लोज बटन होता है। ये तीनों बटन पाए जाते हैं किसमें? टाइटल बार में पाए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है, जैसे कि फाइल मेनू दिया हुआ है आपका, एडिट मेनू आपका दे रखा है, ऐसे ही फॉर्मेट मेनू आपका दिया है, व्यू मेनू दिया हुआ है आपका, हेल्प मेनू दिया हुआ है। और ये तो इसमें टाइटल, इसमें स्टेटस बार में ये जांच करके बताता है कि आपकी पेज की साइज क्या है, ये आपका टाइटल बार में यहाँ पे शो करके दिखाता है। तो जैसे कि प्रॉपर तरीके से हमको जो काम करना है नोटपैड की सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे फाइल मेनू के बारे में। किसके बारे में? फाइल मेनू के बारे में। तो देखिए चूंकि फाइल मेनू के बारे में बात करें तो फाइल मेनू होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखिए इस सॉफ्टवेयर से संबंधित जो भी फाइल मेनू में हम आएंगे तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। देखिए न्यू ऑप्शन दिया है, न्यू विंडो ऑप्शन दिया है, ओपन दिया हुआ है, सेव दिया हुआ है, सेव एज है, पेज सेटअप है, और प्रिंट दिया हुआ है। इस पूरे ऑप्शन का प्रैक्टिकल हमको कैसे करना होता है, तो जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन आपका लिखा हुआ है न्यू, इसकी शॉर्टकट की क्या लिखा है? Ctrl+M लिखा हुआ है। तो जैसे कि अगर आपने नोटपैड की सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया और आप ये चाहते हैं कि नोटपैड की सॉफ्टवेयर में एक नया पेज हम ले लें, तो इसके लिए अपने कीबोर्ड से Ctrl+N बटन प्रेस करना होता है।
या तो आप कंट्रोल एन दबाइए या आप इसी नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। तो चूंकि अभी इस पेज को हम नए पेज ही बोल सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने कुछ टाइपिंग नहीं किया हुआ, लेकिन वही अगर इस पेज पे मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, जैसे कि इसमें मैंने अपनी संस्था का नाम ही मेंशन कर दे रहा हूं, देखिए अगर जो है इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, तब इस पेज को हम न्यू पेज नहीं बोल सकते, इस पेज को हम न्यू पेज नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इस पे मैंने कुछ टाइपिंग भी कर दी है। अब हम ये चाहते हैं कि इस पेज को हटा करके एक नया पेज इंसर्ट करें, तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ यन बटन दबाना है। अब जैसे ही कंट्रोल यन दबाएंगे तो ये पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव सेव चेंजेस टू अनटाइल्ड, मतलब कि आप इस पेज को सेव करना चाहते हैं चूंकि ये आपका डेटा लॉस ना हो, आप लॉस होने से बचा सके, इसलिए इस डेटा को आपको अगर सेव करना है तो सेव करिए, और नहीं सेव करना है तो डोंट सेव पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही डोंट सेव पे क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल करके आ जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद से जो अगला पॉइंट आपका दिया है ये है आपका न्यू विंडो। अब इसका क्या प्रयोग है? तो अभी प्रेजेंट में हमारे सामने एक विंडो ओपन हुआ है और हम चाहते हैं कि एक से ज्यादा विंडो ओपन हो जाए, तो इसके लिए या तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन दबाइए या तो आप न्यू विंडो पे क्लिक करते जाइए। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एन दबाते हैं तो एक नया विंडो और आ जाता है। देखिए अभी एक ही विंडो खुला था ना, एक और विंडो आपके सामने आ गया। देखिए आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एरो बन रहा है ना, इसके माध्यम से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए तो ये इसका प्रयोग होता है हमारा फाइल मेनू में, किसका? न्यू विंडो का। यानी कि जब भी आपको एक से ज्यादा विंडो आपको लेना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन प्रेस करना होता है। जितने बार कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे उतने बार एक नया विंडो आपके सामने यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। ये हमारे न्यू विंडो का शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ओपन, ओपन का मतलब ये होता है जैसे कि मान के चलिए कि आपने पहले से कोई डेटा इसमें सेव करके रखा है और आप उस डेटा को ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड के माध्यम से या तो आप कंट्रोल प्लस ओ बटन प्रेस करिए या आप यहीं पे ओपन पे क्लिक करिए। दोनों ऑप्शन आपका दिया हुआ है। जैसे ही कंट्रोल के साथ ओ बटन दबाएंगे अपने कंप्यूटर में लेके जाएगा और यहाँ से आप आसानी तरीके से कोई डेटा जो आपने पहले से बना करके सेव किया है आप इसको यहाँ से ओपन करा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपके कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग होता है। जैसे कि मान के चलिए कि अधिकतर आपने डेटा कुछ बना लिया और आपने सेव करके रख दिया, आप उसको ओपन करना चाहते हैं नोटपैड के सॉफ्टवेयर में, तो इसके लिए कंट्रोल के साथ ओ बटन आपको प्रेस करना होता है। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका सबसे पहले सेव ऑप्शन दिया हुआ, तो सेव का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे देखिए हमने यहाँ पे जो है इसे टेक्स्ट को मैंने टाइप कर लिया, अब इसको हम चाहते हैं किसी नाम से हम सेव करें, तो देखिए सेव करने से पहले इसको आपको प्रॉपर एक लोकेशन देना होता है, एक लोकेशन आपको देना होता है कि आप डेटा को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। जैसे कि गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पे टाइप किया है, इसको किसी नाम से किसी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं जिसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यस। क्या होता है? कंट्रोल प्लस यस। जैसे ही कंट्रोल के साथ आप यस बटन प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आता है। अब इसमें देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप डेटा को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो प्रॉपर आपको लोकेशन देना होता है, तो लोकेशन मैंने यहाँ पे दे दिया कि हम डेटा को सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे। कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। और आप नाम क्या देना चाहते हैं, तो मान के चलिए कि अगर हम कहीं पे सेव करेंगे तो उसका प्रॉपर एक नाम देना पड़ेगा ना, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया नोट पैड डाटा, नोट पैड डाटा, और यहां से आपने सेव कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने कहां सेव किया? डेस्कटॉप पे सेव किया। अब जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे तो अगर आप डेस्कटॉप के आते हैं तो यहीं पे आपको नोट पैड डाटा के नाम से आपका डेटा दिखाएगा। इसको ओपन करेंगे तो जो आपने इसमें टाइप किया आपके सामने यहां से ओपन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ये है आपका सेव एज। अब सेव एज का क्या प्रयोग है? तो जैसे कि आपने पहली बार आपने गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिख करके आपने डेटा को सेव किया था, फिर आपके दिमाग में आइडिया आया कि हमको एड्रेस भी टाइप करना था लेकिन मैंने गलती से उसको क्या कर दिया है, भूल गया, फिर दोबारा आप चाहते हैं कि उस डेटा को ओपन करके और वहां पे एड्रेस भी हम टाइप करें, तो यहाँ पे जब आप एड्रेस टाइप करेंगे, यहाँ पे आपने एड्रेस टाइप कर दिया, इसके बाद से आपको डेटा को दोबारा सेव करना पड़ेगा ना,
तो इसके लिए शॉर्टकट की आपका दे रखा है, देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस बटन दिया है। कंट्रोल यस करेंगे तो उसी में डेटा आपका सेव हो जाएगा, लेकिन अब दोबारा से सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस बटन दबाना होता है। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस बटन दबाएंगे तो ये बताएगा कि पहले आपने सेव किया था किस नाम से, नोटपैड डाटा के नाम से, लेकिन अब कब और कहाँ पे किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो अब भी हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे ही सेव हो, और यहाँ पे नोटपैड डेटा के नाम से मैंने पहले सेव किया था, अब दूसरी बार यहाँ पे मैंने 111 भी दे दिया। अब यहाँ से आप सेव करिए, अब कई को पेज आपको मिलेगा, दो पेज आपको मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये आपका नोटपैड डाटा और ये नोटपैड डाटा 111 के नाम से मिलेगा। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको एड्रेस लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और वही अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें एड्रेस लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका पेज सेटअप। देखिए पेज सेटअप का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो पेज सेटअप का प्रयोग हम जैसे कि मान के चलिए कोई भी डेटा हुआ, या तो आपका एमएस वर्ड का डेटा हुआ, या नोटपैड का डेटा हुआ, या वर्डपैड का डेटा हुआ, एनीवन किसी भी सॉफ्टवेयर पर अगर आपने कुछ टाइपिंग किया है तो उस डेटा को प्रिंट करने से पहले पेज की सेटअप करना होता है। क्योंकि जब तक आप पेज की सेटअप नहीं करेंगे तब तक अगर आपका डेटा एक पेज में निकलने वाला है, अगर आप ये चाहते हैं कि डाटा आपका एक पेज में निकले और पेज का सेटअप आप तैयार नहीं करेंगे तो पेज में आपका ज्यादा पेज निकल सकता है, इसलिए पेज की सेटअप करना होता है। कोई भी डेटा आप बनाइए लेकिन ये जरूरी होता है कि सबसे पहले आप पेज की सेटअप करिए। अधिकतर आपने देखा होगा कि पेज की सेटअप न होने की वजह से हमारा डेटा दो पेज तीन पेज में ले लेता है, और वही पेज की सेटिंग कर देते हैं तो सेम डेटा हमारा एक पेज में प्रिंट हो जाता है। लेकिन कैसे, तो सबसे पहले पेज की सेटअप हमको करना होगा, क्योंकि जब तक हम पेज की सेटअप नहीं करेंगे तब तक हम डेटा को प्रिंट कैसे कर पाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपके पास मैटर होना चाहिए, क्योंकि मैटर रहेगा तभी जाकर के आप आसानी तरीके से किसी डेटा को प्रिंट कर पाते हैं। या तो आप टाइप कर लीजिए, सबसे बेहतर होगा, ट्रिपल सी का बुक आपको मिला ही है, ट्रिपल सी के बुक के माध्यम से आप टाइप करिएगा। नहीं मिला हुआ है, कोई भी स्टोरी वगैरह आप लिखते होंगे पूरा लिख लीजिए, या अपना इंट्रोडक्शन ही लिख लीजिए सबसे बेहतर होगा, अपना इंट्रोडक्शन लिख लीजिए और उसी को सेटअप करिए सबसे बेहतर होगा। या एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आप टाइप करिएगा WORD, क्या लिखना है, वर्ड लिखना है, और यहां से वर्ड की सॉफ्टवेयर आप ओपन करिए। मैंने 5 पैराग्राफ लाने का सॉफ्टवेयर की बताया था ना, यहां से आप इसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहां से आप इसको ओपन कर लीजिए। देखिए ओपन करने के बाद यहां पे आप इक्वल टाइप करिएगा और यहां पे लिखिएगा RAND, रेंड इक्वल रेंड लिखना, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपके सामने इतना लिखा हुआ टेक्स्ट मिल जाएगा। सोच लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना, आप आसानी तरीके से इतना लिखा हुआ टेक्स्ट ला सकते हैं। आप पूरे डेटा को कंट्रोल से सिलेक्शन करिएगा और कंट्रोल प्लस सी बटन दबा करके कॉपी कर लीजिएगा। कंट्रोल से पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस सी बटन दबा करके कॉपी करेंगे, और यहीं पे आपका नोट पैड का पेज आपका वेट कर रहा है। ओपन कर लिए, अब यहीं पे कंट्रोल के साथ भी बटन दबा करके पेस्ट कर लीजिए, समझ में आ रहा है ना। अभी इतना टाइप करेंगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन मैंने शॉर्टकट की के माध्यम से इतना सारा मैंने टेक्स्ट ला दिया, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए अब आप चले जाइए सबसे पहले फाइल मेनू पे, अब यहाँ पे आ जाइएगा पेज सेटअप पे। अब पेज की सेटिंग आप कैसे करना चाहते हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पेज की साइज को हम सिलेक्शन करते हैं कि हमने जो प्रिंटर लिया है उसमें पेज की साइज क्या होती है। आपने देखा होगा हर एक प्रिंटर की पेज की साइज अलग अलग होता है, किसी में 5 साइज के पेपर लगते हैं, किसी में 4 साइज का पेपर लगता है, किसी में 3 साइज का पेपर लगता है। रिक्वायरमेंट हमारी किस प्रकार की है, हमारा प्रिंटर कौन सा पेज को एक्सेप्ट कर पा रहा, तो बहुत सारे ऐसे प्रिंटर होते हैं जो A4 साइज को सिलेक्शन करते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये 4 साइज मैंने पेज में ले लिया। अब यहाँ पे सोर्स में दिया हुआ है, सोर्स में रियल ट्रे ही रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। इसके बाद से यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है प्रारूप, कि पेज आपकी किस प्रारूप में होना चाहिए, पेज की ओरिएंटेशन आपका क्या होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जो जमीन की खतौनी वगैरह निकलता है वो लैंडस्केप में निकलता है, और बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जो लैंडस्केप होते हैं, और जैसे कि आप रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तो रिज्यूम आपका पोर्ट्रेट होता है,
तो दो आपके पेज की ओरिएंटेशन आता है, एक आपका पोर्ट्रेट आता है और एक आपका लैंडस्केप आता है। तो अभी बाय डिफॉल्ट अगर आपसे देखा जाए तो ये बाय डिफॉल्ट पेज का जो आपका ओरिएंटेशन दिखा रहा है वो पोर्ट्रेट ही दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से ओरिएंटेशन आप चेंज करेंगे, लैंडस्केप लेंगे, तो पेज की प्रारूप कुछ ऐसे दिखेगी। दोनों इंटरफेस में समझ में आ रहा है, ये पेज हमारा वर्टिकल पहले दिख रहा था लेकिन मैंने चेंजेस किया तो ओरिएंटेशन आपका चेंज होकर के हॉरिजॉन्टल में हो जाता है। प्लस पेज में आपने देखा होगा पेज की मार्जिन होता है, जैसे ये पेज है ना, देखिए इस पेज में मार्जिन होता है, ऐसे मार्जिन आपका बना हुआ, देखिए इसमें एक बॉर्डर बना हुआ, देखिए रेड लाइन, ऐसे बॉर्डर बना है ना, ऐसे ही हमारे पेज की साइड में भी दिया हुआ। देखिए अगर आप यहाँ पे जैसे ये चाहते हैं कि जैसे इस बॉर्डर से क्या समझ में आता है कि बॉर्डर के बाहर आपको नहीं लिखना है, बॉर्डर के अंदर आपको टाइप करना है, तो वैसे ही कि हम किस साइड का बॉर्डर हम कितना छोड़ना चाहते हैं अपने पेज पे, इसके लिए आपका मार्जिन यहाँ पे दिया हुआ है, मार्जिन दिया है ना। अब देखिए यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो नंबर लिया गया है, इस नंबर को हम यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पे 25 लिया गया, यहाँ से हम पोर्ट्रेट ले लेते हैं, आप यहाँ पे 2020 जो लिया हुआ है इसको हम चेंज कर देते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट में मार्जिन बढ़ाया तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज होता जा रहा है मार्जिन आपका, यहाँ पे केवल 40 रखेंगे तो भी इंक्रीज होगा, देखिए कितना इंक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है ना, जिस तरीके से हम यहाँ पे पेज के सेटअप करेंगे वैसे ही प्रिंटआउट हम निकाल पाएंगे। वैसे ही आप चले आइए यहाँ पे राइट में, और राइट में भी यहाँ पे मैंने दे दिया 48, देखिए इतना कम हो गया। और फिर यहाँ पे आप आ जाइएगा टॉप में, टॉप में 25 दिया है, इसमें मैंने 49 ले लिया देखिए, और वही बॉटम में अगर आप आते हैं तो बॉटम में मैंने ले लिया 50। अब पेज की मतलब कुछ ऐसे इंटरफेस आपको मिलेगा, जैसे क्या होता है हम किसी टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो उसके लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, डाउन में कुछ हम जगह छोड़ देते हैं ताकि सिग्नेचर करने के बाद उसमें नंबर वगैरह एंट्री मतलब दिया जा सके। इसके लिए पेज पे हम मार्जिन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं, जो यहाँ पे नंबर देंगे उसके हिसाब से हमारा मार्जिन होगा, नंबर कम होगा तो मार्जिन कम होगा आपका, नंबर ज्यादा होगा तो मार्जिन आपका ज्यादा हो जाएगा। आप खुद देखिए यहाँ पे मैंने 40 लिखा हुआ है तो इतना स्पेस मिल रहा है ना लेफ्ट में, मैंने यहाँ पे 2 दे दिया देखिए 2, जैसे ही मैंने 2 दे दिया तो देखिए लेफ्ट वाले में थोड़ा सा भी इंक्रीज आपका हुआ है, मार्जिन पूरा कवर कर लिया। वैसे ही अगर हम यहाँ पे टॉप में आते हैं और यहाँ पर भी मैंने 2 दे दिया तो इसमें भी वही ऑप्शन मिल गया, देखिए समझ में आ रहा है। तो ये आप पेज की सेटअप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं, इसके लिए आपका पेज सेटअप वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलिए इसके बाद इसमें 2 ऑप्शन और भी दिया है, देखिए हेडर दिया है और फुटर दिया है। हेडर का मतलब हेड, हेड का मतलब सर, पेज के टॉप में आप क्या हेडिंग देना चाहते हैं। जैसे कोई डेटा हम प्रिंट करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि जैसे कि लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, लेसन नंबर 2 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लेसन नंबर 3, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन का नाम लिखा होता है। तो ये पेज के जो तो टॉप में होते हैं उसको हम हेडर बोलते हैं। तो जैसे कि पेज के टॉप में अगर आप कुछ हेडिंग देना चाहते हैं तो ये हेडिंग को लिखने के लिए आपको हेडर ऑप्शन का प्रयोग करना होता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने टाइप कर दिया लेसन 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पे आ जाते हैं हम फुटर में, फुटर में मैंने दे दिया पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 मैंने दे दिया। इतना सारा पेज का सेटअप करने के बाद अब आप यहां से कर लीजिएगा ओके, अब तो प्रिंट करेंगे ना, तो कंट्रोल के साथ पी बटन आपको प्रेस करना होता है प्रिंट करने के लिए, या तो आप कंट्रोल पी दबा करके प्रिंट करिए या तो आप डायरेक्टली यहीं पे प्रिंट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो प्रिंट करने से पहले ये आपका डेटा सेव होता है किसमें, पीडीएफ में सेव होता है, ये आपका डेटा किसमें सेव होगा, पीडीएफ में सेव होगा। अब कहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो मैंने लोकेशन ले लिया यहाँ पे डेस्कटॉप का लोकेशन, अगर आपके सिस्टम से प्रिंटर जुड़ा है तो डायरेक्टली प्रिंट आप कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो डेटा हमारा तत्काल में प्रिंट ना हो तो आप उसको अपने डेटा को पीडीएफ बना करके सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कंट्रोल पी दबाया, अब ये कह रहा है कि बताइए किस नाम से सेव करना चाहते हैं, कोई लोकेशन आप दीजिए। तो अभी मैंने सेव करते समय बताया था जब भी डेटा को सेव करना होता है तो एक प्रॉपर आपको लोकेशन देना होता है जहां पर भी आपको डेटा को सेव करना है, और किस नाम से सेव करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे दे दिया नोटपैड पीडीएफ और मैंने सेव कर दिया। कोई दिक्कत, अब यहां से आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए या कैंसिल करिए, डेटा आपका सेव ही है। आप देखिए ये पीडीएफ कहाँ पे सेव हुआ, नोट पैड पे, डेस्कटॉप पे।
यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो अब ये पीडीएफ आपके सामने ओपन होगा ना कि नोटपैड की सॉफ्टवेयर ओपन होगा, ध्यान से देखिए। देखिए मैंने हेडर में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखा था और इतना स्पेस मैंने छोड़ा था। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर 1 भी आ गया। कोई दिक्कत यहाँ था? तो ये हमारे नोटपैड की सॉफ्टवेयर होते हैं जिसपे की प्रॉपर तरीके से हम काम कर पाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा प्रैक्टिकल?